हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल स्टडी में। दोस्तों आज का इस वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल इफेक्ट थे जो रमन थ्योरी के, रमन ने जो थ्योरी दी थी उसके क्लासिकल इफेक्ट थे, उसका हम पर्दाफाश करने वाले। आज हम क्वांटम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं रमन थ्योरी की। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, पूरा ही समझ में आ जाएगा और जो भी सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे थे वो सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक जनरल बात पढ़ लेते हैं कि देखिये ये हमारा कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है, ये इसके ऑर्बिट है, ठीक है। ये बात हम हर वीडियो में बताते हैं, आज भी हम बताएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो को जो क्लासिकल क्वांटम थ्योरी को क्लासिकल के साथ रिलेट करके पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब हम इस एटम को डिस्टर्ब करते हैं तो इसके जो इनिशियल एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और वापस लौट कर जब लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस इनिशियली एनर्जी स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को जब हमने कुछ रेडिएशन डालकर इसको डिस्टर्ब किया, माना इसकी रेडिएशन एच बी इंसिडेंट के लिए आई मान लेते हैं, जब हमने इसको एच बी आई डैश डालकर इस एटम सॉरी इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया दोस्तों, एक्साइट कर दिया, तो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जितनी ये एनर्जी हमने डाली है, जितनी ये एनर्जी हमने इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ उसको दी है, उतनी ही एनर्जी जब वो वापस लोअर स्टेट में आएगा तो उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा। ये देखिए जी एच वी एच सी वी एस ये स्कैटरिंग रेडिएशन है, तो उतनी ही एनर्जी वापस इमिट करेगा। दोस्तों ये बात सही है लेकिन ये बहुत ही लिमिट रेंज के अंदर सही है, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। कब हो सकती है, जब इस एटम के अंदर वाइब्रेशनल और जब इस एटम के अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट, जब हमने इस एटम को कुछ एनर्जी दिया तो इस एटम के वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट में अगर चेंज नहीं आता है, इनिशियल एनर्जी स्टेट में ही, मतलब जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट अगर इनिशियल ही रहते हैं तो यहां पर ये बात सही होने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा तो कभी होता है नहीं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है तो डेफिनेटली वहां पर वाइब्रेशनल ट्रांजेक्शन भी होता है, रोटेशनल ट्रांजेक्शन भी होता है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होने वाली है, यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स का पर्दा पास हो गया है। तो अब इसको क्वांटम नजरिए से थोड़ा पढ़ लेते हैं तो समझ में आ गया कि जब भी किसी एटम के वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी स्टेट में छेड़खानी होती, जब भी इनके वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी स्टेट डिस्टर्ब होते हैं तो मेरे दोस्त क्या होता है कि जो एनर्जी हमने जो फोटोन की एनर्जी जो किसी एटम के ऊपर डाली है उतनी एनर्जी वापस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्वांटम व्यू पढ़ लेते हैं। इसलिए दोस्तों मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उस इक्वेशन के थ्रू में आपको पूरा ही क्वांटम का जो एक्सप्लेनेशन है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक ही मैं आपको रिलेशन लिखूंगा। देखिए यहां पर हम कुछ एनर्जी स्टेट बनाने वाले हैं, ये इनिशियल एनर्जी स्टेट है ई डबल डैश, ठीक है दोस्तों, ये इससे थोड़ा हायर एनर्जी स्टेट ई डैश, ये और इसके ऊपर थोड़े हायर एनर्जी स्टेट और भी आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन या ये आपका इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन इनिशियल एनर्जी स्टेट में बैठा हुआ है, तो अब हम इक्वेशन किस प्रकार से बनाने वाले हैं और उसके थ्रू इसके जो तीन पॉसिबिलिटीज आएगी उसको कैसे एक्सप्लेनेशन करने वाले। तो दोस्तों समझना आप, पूरा ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन इनिशियल एनर्जी स्टेट में बैठा हुआ है ई डबल डैश में, और जब मैंने उसके ऊपर एक फोटोन डाल दिया जिसकी एनर्जी एच सी वी इंसिडेंट, ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया एच सी वी इंसिडेंट, ठीक है। जब इसके ऊपर मैंने फोटोन डाल दिया मेरे दोस्तों,
तो इसका जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गया। अब वो एक्साइट हो गया तो मेरे दोस्तों जाहिर सी बात है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मान लीजिए ये इसकी एनर्जी ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो मेरे दोस्तों ये जो एनर्जी स्टेट है इसकी एनर्जी बहुत हायर है, तो मेरे दोस्त इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के लिए मेंटेन करना असंभव सी बात है। ये यहां पर इस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाएगा और वापस रेडिएशन इमिट करेगा, जो एनर्जी ली थी उसमें से कुछ पार्ट इमिट करेगा और वापस जो थोड़ा हायर एनर्जी स्टेट है वहां पर आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये इनिशियल एनर्जी स्टेट था, यहां पर हमने कुछ फोटोन एनर्जी वाले फोटोन डाले यहां पर, और जब ये वापस HCVS, तो ये जो एनर्जी है इमिट की वो HCVS है और वापस ये कहां पर आ गया मेरे दोस्तों E डैश के अंदर। ये देखिए दोस्तों ये हमने इक्वेशन बना ली है, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये इक्वेशन हमारे को काम में आने वाली है, ठीक है। तो इसको कुछ रीअरेंज कर देते हैं कि E डबल डैश को उधर भेज देते हैं, तो HC और V, इन दोनों में से HC कॉमन ले लेते हैं और VS, फिर ये E डैश माइनस E डबल डैश, ठीक है दोस्तों। ये आपकी नई इक्वेशन बन चुकी है, इसी इक्वेशन से हम सारा फंडा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी, कैसे बनेगी हम समझने वाले हैं। तो ये इक्वेशन आपको अगर समझ में आ गई है तो जरा गौर फरमाइए कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं, इसको वापस हम अच्छे से लिख लेते हैं, VI - VS = E - E डबल डैश, ठीक है। इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, तो HC मैंने क्या बताया था दोस्तों, V ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की और ये फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड रेडिएशन की, तो इसको रमन शिफ्ट बोल सकते हैं, इसको डेल वी से हमने बताया था, और E डैश माइनस E डबल डैश इक्वल टू HC डेल V, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज होने वाली है, तो सबसे फर्स्ट हम पॉसिबिलिटी मानते हैं कि देखिए यहां पर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगा कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन इनिशियल एनर्जी स्टेट में था उस पर कुछ फोटोन आए, तो मेरे दोस्तों ये कुछ फोटोन आ गया तो ये एनर्जी स्टेट एक्साइटेड हो गया और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, वापस कुछ रेडिएशन इमिट करेगा और वापस इनिशियल एनर्जी स्टेट में आ गया। तो मेरे दोस्तों जितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की उतनी ही रेडिएशन इसने इमिट कर दी, तो मेरे दोस्तों ये केस तो आपका रेले स्केटिंग वाला बनने वाला है। तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो हमारी रेले स्केटरिंग है, रेले स्केटरिंग, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम पढ़ ली रेले स्केटरिंग, ठीक है। रेले स्केटरिंग के लिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है मेरे दोस्तों कि डेल वी, देखिए ये हमारी इक्वेशन काम आने वाली है, यहां पर देखे दोस्तों इससे पहले अगर ये चीज को हम देखे तो HCV इंसिडेंट माइनस HCV स्कैटर ये कुछ चल रहा था आपके पास। तो दोस्तों क्या हो गया कि जो इंसिडेंट एनर्जी जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उतनी ही इमिट कर दी, तो मेरे दोस्तों इन दोनों टर्म की वैल्यू हमारे पास जीरो आने वाली है। ये दोनों टर्म हमारे पास जैसे रेडिएशन HVI ये भी आई होगी ये भी आई होगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट होने वाली है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जीरो इसकी वैल्यू जीरो हो गई और E डैश इक्वल टू E डबल डैश और E डैश बराबर E डबल डैश। देखिए हमने हमने मैथमेटिकल भी इसको प्रूव कर दिया लाकर कि हाँ जब इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी इमिट एनर्जी के इक्वल होगी तो जो एनर्जी स्टेट है वो सेम एनर्जी स्टेट होंगे, यानी कि जो एनर्जी स्टेट है जो इनिशियल एनर्जी स्टेट है वो ही जो एनर्जी चेंज हुई उसके बाद का एनर्जी स्टेट बनने वाला है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं ये वाले, ठीक है। तो माना कि हमारा एटम का
का जो इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियल एनर्जी स्टेट ई डबल एस के अंदर बैठा हुआ है। अगर हमने वहां पर फोटोन कुछ फोटोन उस पर डाले तो जो फोटोन का ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और वापस हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। जब ये वापस रिटर्न होगा लोअर एनर्जी स्टेट में तो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा और मान लो कि वो ई डैश एनर्जी स्टेट में आकर रुक गया। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप देखिए जो ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो तो आपका डेली ही बनने वाला है। ठीक है, ये एनर्जी स्टेट का डिफरेंस डेली बनने वाला है और जो यहां से यहां तक एनर्जी इसने यहां से कुछ एच वी आई एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां तक गया तो ये एनर्जी कितनी थी दोस्तों इसके पास एच सी वी आई। ठीक है दोस्तों, ये इतनी एनर्जी थी। अब आप देखिए दोस्तों कि अब उसके पास इतनी एनर्जी ही बच गई। तो मेरे दोस्त आप ये देखिए कि जो इनिशियल एनर्जी थी उस एनर्जी का लॉस हो गया, उस एनर्जी से भी कम एनर्जी प्राप्त हुई है। पहले इतनी एनर्जी थी अब इतनी एनर्जी रही तो कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, तो वो लॉस एनर्जी क्या हो गई कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों कि इस पूरे में से अगर आप ये घटा दो तो ये बचने वाला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर देखिए दोस्तों एच सी वी आई माइनस डी ई। ठीक है दोस्तों, ये जो एनर्जी है वो एच सी वी आई माइनस डेल ही बनने वाली है। तो सेकंड केस क्या था आपका ई डैश इज ग्रेटर देन ई डबल डैश। ठीक है, जब ई डैश ग्रेटर देन ई डबल डैश से है तो मेरे दोस्तों आप इस इक्वेशन को देखिए, यहां से इस इक्वेशन को देखिए दोस्तों, इसको आप मिटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इस इक्वेशन को देखिए आपको क्या पाओगे कि इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है स्केटरिंग एनर्जी से, तो मेरे दोस्तों क्या होगा कि जो डेल वी है ये देखिए, ये आपका डेल वी है रमन शिफ्ट वो पॉजिटिव बनने वाला है, तो यहां से डेल वी बराबर पॉजिटिव। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज पढ़ ली हमने। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी दोस्तों, मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है पहले ही एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है, जब उसने कुछ एनर्जी देखिए दोस्तों, जब उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, मान लीजिए यहां से कोई फोटोन आया और यहां से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो हायर स्टेट में चला गया, फिर जब वो वापस एनर्जी इमिट करके अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। दोस्तों पॉसिबिलिटीज है ये, आप ये नहीं कह सकते कि किस प्रकार से आप बना रहे हैं, बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वांटम स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से तीन प्रकार से बन सकता है। ठीक है, ये ओनली पॉसिबिलिटीज है, ये इतनी पॉसिबिलिटीज बनने वाली है रमन स्पेक्ट्रम के अंदर ऑफ क्लास क्वांटम व्यू में। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप ये देखिए, पहले इसकी एनर्जी इतनी थी ये एच सी वी इंसिडेंट, इतनी एनर्जी अब इसके पास इतनी एनर्जी होगी मेरे दोस्त, इतनी एनर्जी, ये इतनी थी इतनी और बढ़ गई, मतलब ये डेल ई और एड हो गया, तो मेरे दोस्त इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इस इंक्रीज एनर्जी को हम कुछ यहां पर लिख लेते हैं कि एच सी वी आई प्लस डेल ई। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हमने केस को पढ़ लिया। अब इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ी नजर डालिए दोस्तों, ये देखिए तो यहां पर हमारा डेल वी नेगेटिव बनने वाला है, तो थर्ड केस के अंदर दोस्तों वी डबल डैश सॉरी ई डबल डैश ग्रेटर देन, हाँ ये पहले यहां पर था तो यहां पर आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन ई डैश, तो हमारा जो डेल वी है वो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब एक बात और कि अगर डेल वी पॉजिटिव बन गया, दोनों नजरिए से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से स्टोक लाइन आई थी। हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारा डेल वी पॉजिटिव होता है तो यहां पर हमें स्टोक लाइन प्राप्त होती है, स्टोक लाइन प्राप्त होती है। और हमने कुछ ऐसे भी पढ़ा था कि अगर कुछ एनर्जी का लॉस होता है, कहने का मतलब यहां से जो ये वाला इतनी सी एनर्जी है इस एनर्जी का लॉस हो रहा है, अगर हमारे पास एनर्जी का लॉस होता है तो मेरे दोस्तों वहां भी स्टोक लाइन बनती है, तो मेरे दोस्तों ये जो लाइन है ये स्टोक लाइन बनेगी, स्टोक लाइन बनेगी। ठीक है, सेकंड बात, अगर हमारा डेल वी यहां पर नेगेटिव है, अगर हमारा डेल वी नेगेटिव होता है तो हमें एंटी स्टोक लाइन प्राप्त होती है, और यहां से भी आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ पहले हमारे पास एनर्जी इतनी सी थी, फिर ये इतनी एनर्जी और एड हो गई,
तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो गया, एंटी स्टॉक लाइन बनेगी। तो ये जो लाइन है ये एंटी स्टॉक लाइन है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा, पूरा ही जो क्वांटम थ्योरी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो, इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दूंगा। और इसके अलावा भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।